दोस्तों यह है टीपी लिंक का एक बहुत ही बड़ा बॉक्स। सामने आप देख सकते हैं राउटर की फोटो बनी हुई है, तो इससे आपको पता चल गया होगा आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं टीपी लिंक के एक जबरदस्त राउटर का, जिसको हम कह सकते हैं फादर ऑफ ऑल राउटर्स। ये टीपी लिंक का आर्चर AX73 जो कि फुल गीगाबिट राउटर है, वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वाईफाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो अगर आपका बजट अंडर 10,000 रुपीज है और एक बहुत ही बढ़िया स्पीड वाला राउटर आप ढूंढ रहे हैं, जबरदस्त आपको रेंज मिल जाए, तो क्या ये वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड AX73 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है या फिर नहीं, आज की वीडियो में पता चल जाएगा। मार्केट में राउटर्स अलग अलग प्राइस पॉइंट पे देखने के लिए मिल जाते हैं, हमने चैनल के ऊपर भी बहुत सारे राउटर्स का रिव्यू किया हुआ है ऑलरेडी। ये टीपीलिंक का आर्चर C60, ये है आर्चर C6। ये जो राउटर है नॉर्मली अंडर 2000 के प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को मिल जाता है, और ये वाला जो है ये अंडर 3000 में आ जाता है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन भी आपको करके दिखा देंगे भाई इनकी स्पीड्स में और इनकी रेंज में, और ये वाला जो राउटर अभी हमने परचेज किया है कितना डिफरेंस आएगा। तो ये दोस्तों हमारा टीपीलिंक का बॉक्स, यहाँ पे मेंशनड है वाईफाई 6 फास्टर ब्रॉडर अनस्टॉपेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं AX5400 लिखा हुआ है, ये 6 स्ट्रीम राउटर है, फुल गीगाबिट है, आर्चर AX73 भी मेंशनड है। वाईफाई स्पीड यहाँ पे मेंशनड है अप टू 5400 Mbps, एक्सटेंसिव कवरेज मिलने वाली है, 6 हाई परफॉर्मेंस एंटीनाज आ जाते हैं। यहाँ पे आप मोर डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाएंगे OFDMA प्लस मू मिमो की टेक्नोलॉजी के साथ। पावरफुल प्रोसेसिंग भी आ जाती है भाई, 1.5 GHz का ट्रिपल कोर CPU भी दिया गया है। वायरलेस स्पीड यहाँ पे मेंशनड है 5 GHz पे 4800 4 Mbps एंड 2.4 GHz पे 574 Mbps। 1 GB WAN पोर्ट आ जाता है, 4 GB LAN पोर्ट्स आ जाते हैं, 1 USB का भी पोर्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, आगे उसका यूज भी हम आपको बताएंगे। बैक पे भी भाई एक्सटेंसिव फीचर्स यहाँ पे मेंशन है, गीगाबिट फॉर 8K स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ जाता है, TP-Link का होम शील्ड भी आपको यहाँ पे सर्विस देखने के लिए मिल जाएगी, और आप यहाँ पे 1 मैश नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने और राउटर्स के साथ एक मैश नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। लेट्स ओपन द बॉक्स। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको क्विक इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाती है, वाईफाई 6 यहाँ पे मेंशन है। काफी बिग इन साइज है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा राउटर है ये। बॉक्स के अंदर आपको एक लैन एंड वैन केबल, आप इसको कह सकते हैं, देखने के लिए मिल जाती है। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको एक अडेप्टर देखने के लिए मिल जाएगा, दिस इज AC अडेप्टर, और अडेप्टर का साइज भी काफी बड़ा है बिकॉज ये वाईफाई 6 राउटर है, ज्यादा पावर इसको चाहिए है। नेटवर्क को सेटअप करने के लिए यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दी गई है किस तरीके से आपको इसे सेटअप करना है। तो ये है फर्स्ट इंप्रेशन TP-Link आर्चर AX73 के, काफी बिग इन साइज है दोस्तों, और इसके वेट की भी अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 kg होगा। सामने की तरफ आपको ये पैटर्न देखने के लिए मिलता है इसके टॉप पे, और ये जो पैटर्न है काफी ज्यादा प्रीमियम फील देता है इस राउटर को। टॉप पे ये जो आपको एक पोर्शन देखने के लिए मिल रहा है, बेसिकली काफी अच्छी डिजाइनिंग की है इस राउटर के लिए, और यहाँ पे भी आपको ये स्टिकर टाइप देखने को मिलेगा, इसे निकाल लेते हैं, एक ग्लॉसी फिनिश देता है, काफी प्रीमियम लग रहा है। बैक के बटन्स एंड पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक LED लाइट के लिए बटन दिया गया है, एक है WPS का बटन, देन वाईफाई के लिए भी बटन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और जो लास्ट ऑप्शन है ये है रीसेट करने के लिए एक ऑप्शन। पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 LAN के पोर्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि गीगाबिट पोर्ट्स हैं। 1 WAN का पोर्ट आ जाता है और ये भी गीगाबिट स्पीड को सपोर्ट करता है, और ये हमारा पावर बटन, यहाँ से इसको ऑन ऑफ करेंगे, और ये है इसकी इनपुट। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको USB 3.0 के लिए एक पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आप अपनी एक्सटर्नल ड्राइव्स को कनेक्ट कर सकते हैं। राउटर के फ्रंट साइड में आपको यहाँ पे काफी सारे इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पावर इंडिकेशन का, देन आपको 2.4 GHz की लाइट भी मिल जाती है, उसके बाद है 5 GHz की लाइट इंडिकेशन, देन आपकी वैन की इंडिकेशन यहाँ पे आ जाती है अगर ग्रीन कलर की लाइट जलती है, यानी कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। बाकी जो लास्ट की इंडिकेशंस हैं वो लैन पोर्ट्स की इंडिकेशंस हैं, प्लस USB 3.0 की इंडिकेशंस हैं, और जो लास्ट वाला है वो है रीसेट की इंडिकेशन। अगर इसके साइज को कंपेयर करें आर्चर C6 से, तो ये भी TP-Link का है, ये भी TP-Link का है, और आप देख सकते हैं ये कितना मैसिव है, और इसके कंपैरिजन में ये कितना कॉम्पैक्ट और छोटा सा लग रहा है, और इसका वेट भी कम है और थिकनेस भी इसकी काफी कम है एज कम्पेयर टू दिस ह्यूज मशीन। एंड यहाँ पे आपको 6 एंटीनाज देखने के लिए मिल जाते हैं इस राउटर के अंदर, जो कि हाई स्पीड एंटीनाज हैं। बाकी इसको हम टेस्ट करेंगे, इसकी रेंज में देखेंगे कितनी रेंज ये एंटीनाज हमें दे पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों TP-Link आर्चर AX73 के फीचर्स के बारे में। दोस्तों ये एक 6 स्ट्रीम गीगाबिट वाईफाई 6 डुअल बैंड राउटर है, जहाँ पे आपको फास्टर स्पीड देखने को मिलती हैं अप टू 5378 Mbps, विच इज 164% फास्टर एज कम्पेयर टू दी वाईफाई 5 स्टैंडर्ड। डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप अप टू 200 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं इस राउटर के साथ। यहाँ पे आप एट द सेम टाइम डजन्स ऑफ डिवाइसेस के साथ स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग कर सकते हैं विद अल्ट्रा लो लेटेंसी, बिकॉज यहाँ पे मू मिमो की टेक्नोलॉजी प्लस OFDMA का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। OFDMA का फीचर दोस्तों क्या करता है कि बहुत सारे डजन्स ऑफ डिवाइसेस को एनेबल करता है कि वो सेम टाइम पे
एक ही स्ट्रीम को शेयर करते हैं, जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। यहाँ पे आप 8K स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी दिया गया है। NTP-Link ने इस राउटर को काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। जब भी बेसिकली आप राउटर्स को यूज करते हैं तो 24 आवर्स कंटिन्यूस बेसिस पे वो चलते हैं, और यहाँ पे इसका डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है कि ये राउटर अपने आप को कूल रखता है, ज्यादा हीटिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी बरकरार रहती है। आपको बेस्ट परफॉर्मेंस सभी पीरियड ऑफ टाइम पे सेम देखने को मिलती है। दोस्तों, TP-Link आर्चर AX73 के साथ आपको TP-Link की प्रीमियम सिक्योरिटी सर्विस देखने को मिलती है, जिसको TP-Link होम शील्ड कहते हैं। ये आपके होम डिवाइसेस को, आपके क्लाइंट्स जितने भी कनेक्टेड हैं इस राउटर के साथ, इनको सेफ रखती है अगेंस्ट DDoS अटैक्स, मेलिशियस साइट्स, एंड आपके सभी क्लाइंट्स को एक सेफ नेटवर्क प्रोवाइड करता है। सभी का डेटा सेफ प्राइवेसी में स्टोर रखता है। फर्स्ट सेटअप देख लेते हैं TP-Link आर्चर AX73 का। तो वेब पेज में हम आ चुके हैं, 192.168.1.1 से ओपन कर लेंगे। उसके बाद अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, जस्ट लॉगिन कर लेंगे। तो ये दोस्तों हमारा मेन पेज, यहाँ पे आपको नेटवर्क मैप शो हो रहा है, यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस होता है, आर्चर AX73 डिवाइस है, और यहाँ पे मैच डिवाइसेस भी शो हो रहे हैं, अभी 0 कनेक्टेड है। जो लास्ट ऑप्शन है वो है क्लाइंट्स के लिए ऑप्शन, कितने क्लाइंट्स कनेक्टेड है यहाँ पे शो हो जाते हैं। इंटरनेट के सेक्शन में जाते हैं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने कनेक्शन टाइप को, कि आप कौन से कनेक्शन को यूज करना चाहते हैं। अगर आपका स्टैटिक IP है, डायनेमिक IP है, PPPoE है, सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है आर्चर AX73 के साथ। यहाँ पे आप सेटिंग्स में देख सकते हैं, वायरलेस सेटिंग्स में स्मार्ट कनेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। स्मार्ट कनेक्ट में बेसिकली क्या होता है, ये आपको अलाउ करता है, राउटर्स की सेटिंग्स को अलाउ करता है बेसिकली, जो भी इसके अंदर वायरलेस बैंड्स हैं ये सेम वायरलेस सेटिंग्स को यूज करेंगे। द राउटर कैन बैलेंस द नेटवर्क डिमांड एंड असाइन द डिवाइसेस विद द ऑप्टिमम बैंड। बेसिकली एक ही SSID क्रिएट होती है इस राउटर के साथ, अगर आप स्मार्ट कनेक्ट के ऑप्शन को एनेबल कर देते हैं। जैसे ही आप रेंज के पास आते हैं तो 5 GHz के बैंड से कनेक्ट कर देता है आपके डिवाइस को। अगर आप दूर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये स्विच कर जाता है 2.4 GHz के नेटवर्क पे। नीचे की तरफ आपको दोस्तों यहाँ पे गेस्ट नेटवर्क भी क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। होम शील्ड का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कंप्रिहेंसिव होम वाईफाई सिक्योरिटी सिस्टम है बेसिकली। टीथर ऐप के अंदर आप होम शील्ड को एक्सेस कर पाएंगे, इनकी सर्विस है TP-Link की। अनदर एक्साइटिंग फीचर आ जाता है दोस्तों इसके अंदर, टाइम मशीन का। बेसिकली यहाँ पे आप अपनी सारी फाइल्स को बैकअप कर सकते हैं अपनी मैकबुक के ऊपर, और इसको आप कनेक्टेड रखते हैं USB स्टोरेज को अपने राउटर के साथ, सो ऑटोमेटिकली आपकी सारी फाइल्स बैकअप हो जाती हैं नेटवर्क पे। स्टोरेज स्टेटस के अंदर आपकी USB स्टोरेज डिवाइसेस शो हो जाती हैं। आप एक बार कनेक्ट कर लीजिए अपने राउटर के अंदर, और यहाँ पे स्कैन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे शो हो जाती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ड्राइव अभी कनेक्टेड है, और इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमने एक यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट कर दिया है। और दोस्तों ये हमारी हार्ड ड्राइव, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क के अंदर हार्ड ड्राइव शो हो रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नेटवर्क के ऊपर अपनी हार्ड ड्राइव को, SSD को एक्सेस कर सकते हैं TP-Link आर्चर AX73 के साथ। तो ये दोस्तों TP-Link की टीथर ऐप आईफोन में इंस्टॉल कर ली गई है। यहाँ पे डिवाइसेस में आप चेक कर सकते हैं आर्चर AX73 लिखा हुआ है। टूल्स के अंदर आपको क्विक सेटअप, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, वन मैश, काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सिक्योरिटी के अंदर आपको एक फीचर मिलता है नेटवर्क स्कैनिंग का, यहाँ पे आपके रिस्क रिलेटेड इश्यूज बताता है। तो आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि आप अपग्रेड कर लीजिए होम शील्ड प्रो के साथ, और 30 डेज का फ्री ट्रायल मिल जाएगा, तो आपका पूरा नेटवर्क ये मैनेज करेगा। और ये दोस्तों इनका होम शील्ड प्रो का प्लान मंथली 500 रुपीज है, और ईयरली 4600 आपसे चार्ज करते हैं। स्पीड टेस्ट आप देख सकते हैं, हमारा प्लान जो है 200 Mbps का है, और अभी वाईफाई राउटर के बहुत ही नजदीक हम यहाँ पे स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, आपके सामने है रिजल्ट्स। डाउनलोड स्पीड आई है 215 Mbps एंड अपलोड आई है 157 Mbps, और राउटर एकदम पास में रखा हुआ है। आईफोन में भी टेस्ट कर लेते हैं, टेक थेरेपी से कनेक्टेड है, सो ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स आए आईफोन के अंदर भी, 206 Mbps डाउनलोड एंड 178 अपलोड। तो दोस्तों ये है नथिंग फोन 1 और ये आईफोन 14 Pro Max। फर्स्ट फ्लोर पे स्पीड टेस्ट करते हैं, सेकंड फ्लोर पे राउटर प्लेस्ड है, तो आईफोन में स्टार्ट करते हैं, और दोनों ही में ऑलमोस्ट फुल सिग्नल आए हैं राउटर के। सो डाउनलोड स्पीड 130 Mbps आई है भाई आईफोन के अंदर, और अपलोड आप देख रहे हैं आईफोन में हमें मिली काफी बढ़िया स्पीड फर्स्ट फ्लोर पे होने के बावजूद। अब करते हैं नथिंग फोन 1 में स्पीड टेस्ट। सो भाई नथिंग ने तो जलवा ही बिखेर दिया है, 185 डाउनलोड आई है, अपलोड आई है 231 Mbps, और सेम नेटवर्क पे दोनों ही स्मार्टफोन भाई कनेक्टेड थे, और यहाँ पे आईफोन आ गया। ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं, दोनों ही डिवाइसेज अभी भी कनेक्टेड हैं हमारे TP-Link आर्चर AX73 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई टच थेरेपी सेकंड फ्लोर लिखा हुआ है। स्पीड टेस्ट करते हैं पहले नथिंग में। सो नथिंग में 58 Mbps डाउनलोड आई है, जो कि काफी अमेजिंग रिजल्ट है। अपलोड 9 Mbps आई है। तो आईफोन में भाई स्पीड टेस्ट कर लिया गया, एक्साइटल पे आप देख सकते हैं डाउनलोड स्पीड आई 143 Mbps, अपलोड आई है 45 Mbps, जो कि काफी अमेजिंग रिजल्ट्स हैं ग्राउंड फ्लोर पे आने के बावजूद भी। तो यहाँ पे स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स आपने देख लिए हैं, ग्राउंड फ्लोर पे भी देखे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी देखे हैं, और सेकंड फ्लोर पे राउटर हमने रखा हुआ था। तो दोस्तों अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं कि नॉर्मल राउटर्स जो आप 2 से 2500 के प्राइस पॉइंट पे परचेज करते हैं, जस्ट लाइक दिस, मेन डिफरेंस स्पीड एंड रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है।
यहाँ पे अभी जो हमारा एरिया था स्टूडियो का और जो हमारी बिल्डिंग है ये 2000 स्क्वायर फीट के अराउंड इसका एरिया साइज है। बेसिकली हर फ्लोर 2000 स्क्वायर फीट के एरिया का है जहाँ पे हमने इसकी टेस्टिंग की है। और भाई इसने फर्स्ट फ्लोर पे ऑलमोस्ट 150 प्लस एमबीपीएस के रिजल्ट दिए थे और ग्राउंड फ्लोर पे जाते जाते यहाँ पे 70 एमबीपीएस की एवरेज स्पीड हमने देखी है आईफोन एंड नथिंग फोन 1 में। नॉर्मली जितने राउटर्स हमने टेस्ट किए हैं वहाँ पे इतने अच्छे रिजल्ट हमने नहीं देखे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जाते ही नॉर्मली क्या होता था 50 एमबीपीएस की स्पीड देखने को मिलती थी और ग्राउंड फ्लोर पे तो जाते ही भाई 2-3 एमबी हो जाती थी। तो वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी का फायदा भाई इस राउटर के अंदर देखने को मिल जाता है AX73 के अंदर। तो अगर आप ज्यादा स्पीड चाहते हैं, आपका एरिया साइज बहुत ज्यादा है और बहुत ही परेशान रहते हैं आप अपनी भाई रेंज से, वाईफाई की रेंज से, सो आप इस राउटर के साथ जा सकते हैं। लेकिन ये तो है कि आपकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी अगर आप इस राउटर के साथ जाएंगे और बहुत सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, फिर चाहे वो होम शील्ड प्रोटेक्शन हो, नंबर ऑफ डिवाइसेज जो आप कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई 6 स्टैंडर्ड भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा अमाउंट पे करने पे ही मिलती हैं। फिर भी अंडर 10,000 में ये वन ऑफ द बेस्ट राउटर है जिसको आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था TP-Link Archer AX73 का डिटेल रिव्यू वीडियो हमारे चैनल के ऊपर। अगले वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छी लगी उसको जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और चैनल पे पहली बार देखी है टेक थेरेपी को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया गया है, TP-Link Archer AX5400 या फिर Archer AX73। फिर मिलते हैं दोस्तों आप सभी से एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहेगा इसी तरह। हैव अ नाइस डे।